ये फेस पे जो स्वेलिंग है कितने दिनों से है लगभग आपका? 4-5 साल। 4-5 सालों से है। ये लाइपोमक स्वेलिंग है ना। FNAC का रिपोर्ट भी और क्लिनिकली भी छूने से लग रहा है कि फैट का गांठ है, चर्बी का गांठ कहते हैं इसको, लाइपोमा होता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फेस के ऊपर है। यूजुअली लाइपोमा शरीर में कहीं भी हो सकता है लेकिन फेस पर रिलेटिवली कम होता है। तो बाकी कहीं भी होता है, बाहर से इंसिजन लगाते हैं, निकल जाता है, बहुत फेंट सा एक हल्का सा निशान आता है। अब फेस पे छोटा भी निशान अगर आएगा तो वो दिख सकता है। तो इसके लिए मेरा जो भी प्लानिंग है कि इंट्रा ओरल अप्रोच से मुंह के अंदर की तरफ से निकालेंगे कि बाहर से कहीं से भी कुछ भी नहीं दिखेगा और एकदम ही स्किन जैसा अभी है वैसा ही सर्जरी के बाद भी रहेगा। इससे कोई दिक्कत दर्द वगैरह होती है कभी? नहीं लाइपोमा में कभी दर्द नहीं होता नहीं है ना? तो ठीक है, अभी हम लोग इसको स्कारलेस टेक्निक से निकालेंगे। मतलब कुछ ऐसा अप्रोच जिससे कि इस जगह पे कोई, ये जो राइबोमा का जो टेरिटरी है स्किन का, उस पे कोई निशान नहीं आएगा। ये स्टार्ट कर दिए। ये इंट्रा ओरल अप्रोच से इस साइज का लाइपोमा ये निकला है। ये इनके लेफ्ट चीक में कुछ इस जगह पे था, यहाँ पे, और एज सच इन टोटो ये पूरा ही निकल गया। और अच्छी बात यह है कि विदाउट एनी स्कार ऑन द आउटसाइड, हम लोगों ने बाहर में यहाँ पे कोई इंसीजन नहीं दिए हैं। सिर्फ जो भी इंसिजन लगा है वो थ्रू विदिन, ये इंट्रा ओरल अप्रोच से ये निकल गया है।